अस्सलामुअलैकुम मस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की टेस्टी टेस्टी सी की रेसिपी बन रही है, बहुत ही सस्ती और बहुत ही मज़ेदार। आज हम बना रहे हैं अंडों का सालन, और अंडों का सालन कैसे बना रहे हैं, इतना टेस्टी कि सब आज हैरान हो जाएंगे कि आज हमने बनाया क्या है, मगज़ का सालन बनाया है या अंडों का बनाया है। आज हम सोचेंगे कि आज हमने क्या बनाया है। ठीक हो गया, इसके लिए मैंने 2 अदद बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज लेंगे, बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज लेना है हमने। 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया, 1/2 टीस्पून हल्दी ले लिए, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 4 से 5 अदद हरी मिर्च जो मोटी वाली होती है वो काट के रख ली है, चिली सॉस लिया 1 टीस्पून, 6 अदद अंडे ले लिए मैंने और 2 अदद टमाटर ले लिए हैं। सालन बनाना है बहुत ज़्यादा, तो आज हम ये वाला सालन बनाएंगे और इतना टेस्टी बनेगा कि आप पेट भर के खाएंगे भी और इतना टेस्टी टेस्टी से सालन से इंजॉयमेंट भी करेंगे। चले आएँ कैसे करती हूँ, अंडों की जर्दी अलग कर लेते हैं और अंडे की सफ़ेदी अलग कर लेते हैं। मेरे पास सरसों का तेल है, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया, बहुत ही मज़े के ये सालन बनने वाला है। उसके अंदर प्याज डाल देंगे ताकि प्याज हमारा गोल्डन हो जाए। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मोबाइल उठाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दें क्लिक, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। बहुत शुक्रिया। हमने एक साइड पे अंडों के कर लिए, बॉयल किए हुए अंडे रखे हुए थे और सफ़ेदियाँ एक तरफ कर दी हैं। सफ़ेदी को बारीक बारीक छुरी के साथ हम कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल चॉप जिस तरह करते हैं इस तरह, और जर्दियों को ऐसे ही रहने देंगे। ये हम गोल्डन प्याज मैंने रख दिया है सरसों के ऑयल के अंदर, आप चाहें तो आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये सरसों के ऑयल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और यमी सा टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़े के बनेंगे। लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है इस तरीके का प्याज, लाइट थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे, जैसे ही गोल्डन प्याज होगा हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे और मसाले डालेंगे। गोल्डन हो गया प्याज हमारा इस तरीके का, 2 अदद टमाटर लिए मैंने और क्यूब्स में काट लिए, वो हमने डाल दिए इसके अंदर। ठीक हो गया, अब हम सारे मसाले इसमें शामिल करते हैं। इसके अंदर हल्दी चली जाएगी हमारी और इसमें हम डाल देंगे जीरा सफ़ेद, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च चली जाएगी इसमें हमारी और इसके अंदर देखो हम अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाला बन जाए इसका। हमारा अच्छे से भून चुका है, टमाटर ऐसे ही रहने देंगे हम, बहुत ही अच्छे कलर आएगा टमाटरों का। जर्दी हमने इस तरीके से डाल देनी है इसमें, 6 की 6 जर्दियाँ मैंने इसमें डाल दी और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे जर्दियों को, तोड़ देंगे और जो इसका मसाला होगा वो बहुत ही टेस्टी और यमी होने वाला है। ये फर्स्ट टाइम ही मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको इसको, ये किसी ने भी नहीं रेसिपी दी है। जो है जर्दियाँ जो है मिक्स हो गई और बहुत ही यमी सा मसाला, देखें कलर कितना बहुत ही खूबसूरत कलर आया और खाने में ये बहुत ही लजीज है। अब इसके अंदर हम हमने डाल देनी है सफ़ेदियाँ जो हमने रखी हुई थी, सफ़ेदियों को चॉप करके वो हमने सफ़ेदियाँ इसमें डाल देनी है। ये देखें इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सफ़ेदियों को, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो सालन है रेडी हो गया अंडों का। ले रही है चिली सॉस, जो हमने चिली सॉस रखी थी वो, और इसके अंदर हमने हल्दी ज़रूरत हरी मिर्च डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं और डिश आउट करते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी सालन हमारा रेडी हो चुका है। मज़ेदार किस्म का सालन हमारा रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही झटपट बनने वाला। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।